इंदु अस्पताल नीमराणा, आईसीयू, एनआईसीयू, एसी वार्ड, प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, मेडिकल व आपातकालीन सुविधा अब एक छत के नीचे। सतमा से अठमा से जन्मे बच्चों का सफल इलाज, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, सभी प्रमुख टीपीए, अमूल डेयरी, बेनिफिशियरी राजस्थान सरकार के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस सुविधा। बाबा केतानाथ महिला विद्यापीठ भीटेड़ा भैरोड महाविद्यालय में बीए बीकॉम, बीएससी में बायोमैथ हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, एमए भूगोल हिंदी राजनीति विज्ञान, एमएससी मैथ जूलॉजी केमिस्ट्री, एलएलबी, बीएड, बीएसटीसी कोर्स संचालित, हाईटेक हॉस्टल फैसिलिटी, क्षेत्र का एकमात्र निजी महाविद्यालय जहां एनसीसी यूनिट संचालित, एनएसएस यूनिट संचालित, आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के लिए फीस में विशेष छूट। अध्यक्ष शुभनाथ जी महाराज, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव, सचिव एडवोकेट बस्तीराम यादव, निदेशक डॉक्टर करण सिंह यादव, प्राचार्य जितेंद्र सिंह यादव। देखिए, बिजली से त्रहिमाम त्रहिमाम कमी से मचा हुआ क्षेत्र में, पानी की कमी, पूरी गर्मियों रही, बिजली की सप्लाई बाधित होती रही, रात में छोटे छोटे बच्चे तड़पते रहे, और जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है वो विदेश घूमता रहा। ऐसी खतरनाक स्थिति बिजली की भैरोड़ के लोगों ने कभी नहीं देखी। पूरे देश में बिजली का संकट आया तो भी भैरोड़ के जवानों ने जापानी जोन की बिजली कटवाकर जनता को बिजली दिलवाई, लेकिन मौजूदा जनप्रतिनिधि है जसवंत, इसकी भूख इतनी बढ़ गई है कि गर्मियों में सारी बिजली इसने फैक्ट्रियों को बेची, फैक्ट्रियों से मोटी रकम वसूली और जनता रोती रही। मैंने बिजली विभाग के अधिकारियों को कहा है कि आप इस भ्रष्ट झूठ के जनरेटर इस जसवंत को कह देना, अपने उच्च अधिकारियों को बिजली विभाग के को कह देना, अगर ये बिजली की स्थिति नहीं सुधरी तो हम बिजली विभाग के ताला लगा करके और इसके ऊपर स्थायी रूप से धरने के ऊपर बैठेंगे। बिजली एक तरफ आ नहीं रही, दूसरी तरफ ये निकम्मा निर्लज जसवंत कह रहा है बिजली विभाग के अधिकारियों से कि जनता के घर पे छापे डालो और रात में भी छापे डालो, इनकी वीसीआर काटो, रोज पर्ची काटो किसानों की। मैं कहना चाहता हूं जसवंत, तू एक्सीडेंटल जीता है, पहले तेरे बेटे की जमानत जब्त करी थी भैरोड़ की जनता ने, और आज चुनाव हो जाए तो तेरी जमानत जब्त हो जाए, इसलिए इतना अहंकार ठीक नहीं है। यही जनता बनाती है, यही जनता उतार देती है। जनप्रतिनिधि होता है जनता को लूट से बचाने के लिए, बिजली विभाग हो चाहे पानी का विभाग हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे रेलवे हो, ये ऐसे विभाग हैं जो डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए, गरीब जनता से खास तौर से जुड़े हुए हैं। ये कमाई के लिए नहीं होते, ये वेलफेयर के लिए होते हैं। दूसरे विभाग से राजस्व जुटा के और इस विभाग का दिया जाता है, उसका घाटा पूरा किया जाता है ताकि जनता को सुविधा मिलती रहे। ये तो दुर्भाग्य हमारा कि आजादी के इतने साल बाद भी इन मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता को पैसा देना पड़ रहा है। मैंने तो विधानसभा में भी कहा था कि बिजली पानी बिल्कुल मुफ्त मिलना चाहिए, और लड़ाई लड़ी तो 200 यूनिट फ्री बिजली की हुई, लेकिन हमारा यहां का मौजूदा जनप्रतिनिधि उसी जनता को लूटने की बात कह रहा है। 5 साल तक बिजली विभाग के अधिकारियों को हमने उनके ऑफिस में बंद रखा कि तनख्वाह लो और अपना काम करो, किसी की वीसीआर नहीं काटोगे। अब वो कह रहा है
पांच साल का बिजली विभाग का डर्रा बिगड़ा हुआ सुधारूंगा। बिजली विभाग में कभी लाइट नहीं कटी गांव में। बहरोड को जिला बनाया, वो बहरोड को ढाणी बनाने में लगा हुआ है। पहले तो कहता था कि बहरोड का अकेले ही जिले में नाम होना चाहिए था, अब कह रहा जिले से ही नाम हटा दो। कोई पानी की बोरिंग की बात करता है तो भूपेंद्र जी का नाम ले देता है। फिर तेरा क्या काम है, इस्तीफा दे के जा तेरे घर अगर तेरे बस की बात नहीं है तो। हर छोटी काम के लिए एक साल होने को है चुनाव को, और एक साल होने वाला है। एक पानी की बोरिंग जसवंत ने कराई हो तो बता दे बहरोड में, कहीं एक ईंट का खोरिया लगाया तो बता दे, बजट में एक रुपया लेके आया तो बता दे। लेकिन झूठ का जनरेटर है वो, जो घोषणा होगी पिछली सरकार में जो बहरोड के लोगों ने करवाई, बस स्टैंड की घोषणा पहले ही हो चुकी है उसको दोहरा रहा है, सीवर लाइन पहले ही हो चुकी है उसको दोहरा रहा है, जिला अस्पताल पहले बन चुका है, पैसे आ गए, बिल्डिंग आदि बन गई है, वो कह रहा दूसरी किस्त आ गई। ऐसे हो गए तो जैसे सरकारी नौकरी कोई लगा दे, अब हर महीने तनख्वाह तो कहे तनख्वाह मैंने दिला दी। अरे सरकारी नौकरी लगाना महत्वपूर्ण है, नौकरी लगी है तो तनख्वाह आएगी। जिला अस्पताल बनाया तो एक साल नहीं, हर साल आएगा, 100 साल आएगा, 200 साल आएगा, उसका जो तय बजट है वो आता रहेगा। लेकिन आज से पहले तो किसी ने बहरोड के अस्पताल को जिला अस्पताल नहीं बनाया, हमने उप जिला और बैक टू बैक जिला अस्पताल बनाया। एक साल के अंदर 2.5 साल कोरोना खा गया, मात्र 2.5 साल बहरोड के लोगों को मिले। और उस 2.5 साल में जब बजट सत्र होता था तो बहरोड बहरोड गूंजा करता था, कोई काम नहीं। मांडन को तहसील बना दिया पिछली सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में जो भी तहसील होंगी वो तहसील मुख्यालय पर नगर पालिका होगी अनिवार्य रूप से। वो कह देता हां साहब मैंने बोल दिया। लेकिन जनता सब जानती है सिर्फ जसवंत का एक काम है लूटपाट मचा रखी है। अस्पताल में जाओ तो डॉक्टरों को पता नहीं, सारी जांच की मशीनें बंद पड़ी हैं ताकि बाहर से कमीशन आएगा। हाई कोर्ट ने कहा कि गर्मी से बुजुर्गों की डेथ हुई है, उनको मुआवजा दे सरकार, 5-5 लाख रुपया जो जो बुजुर्ग मरे गर्मियों में, और अब तक गर्मी पड़ रही है, उमस पड़ रही है, उनके घरवालों को दिलाने चाहिए थे। हमने बिना ओला पड़े हुए ओले का मुआवजा किसान को दिलाया, लेकिन जसवंत ने एक भी बुजुर्ग के मरने पर अगर किसी को मुआवजा दिलाया तो पूछ लो, एक रुपया नहीं दिलाया। उसको गलतफहमी हो गई है, लोग उसके कहते हैं कि बलजीत यादव ने बिजली विभाग वालों को टाइट किया, VCR ना काटो तो वो नाराज हो गए। उसने पटवारियों से जबरदस्ती रिपोर्ट बनवाई कि ओले पड़ गए मुआवजा दिला दिया तो पटवारी नाराज हो गए। डॉक्टर कंपाउंडरों को टाइट किया, समय पे आओगे और देखभाल मरीजों की सही करोगे तो वो नाराज हो गए। स्कूल में गुरुजियों से कहा कि पढ़ने वाले प्रतिभावान बच्चों से उद्घाटन करवाओगे, स्टेज पर उनका सम्मान करोगे तो वो नाराज हो गए। पुलिस वालों से कहा कि कोई ट्रैक्टर मिट्टी का लाके पत्थर डाल के पेट पाल रहा है उसे परेशान नहीं करोगे तो वो नाराज हो गए। और क्या इन सारों ने मिलकर के और जसवंत को जिता दिया, ये उसको गलतफहमी हो गई है कि इन्होंने बलजीत यादव को हरा दिया। इसलिए वो चाह रहा सबको छूट दे रखी है कि मार सके जिसको मारो, लूट सके जिसको लूटो। लेकिन ऐसा बहरोड में नहीं चलेगा, वो तो कभी कभी कोई समय की बात होती है, ठग होते हैं वो भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अहंकार रावण का भी नहीं चला, जसवंत तो क्या चीज है, जनता जाती है कोई काम की कहता है उसके भाटे से मारता है, बदतमीज से बोलता है, लोग कहते हैं साहब बटके भरता है काम की कहते ही। कोई काम की कहो जो उसके पास जाता है बिना अपमानित हुए नहीं आता है। एक तरफ ये जनप्रतिनिधि है जो जनता को गालियां देता है, जनता के भाटे मारता है, दूसरी तरफ पिछला राज था तो जनता पे हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा होती थी, गांव गांव जनता का धन्यवाद दिया जाता था। बलजीत यादव की सिर्फ एक ही गलती थी कि हर हालत में वो जनता के पाले में खड़ा रहा। जो 4-5 नेता हैं जो कमीशन खोरी करते थे उनकी वो बंद होगी, उनको लगा कि आम जनता के जैसे ही तुम्हें भी बना दिया गया है, क्योंकि आम जनता सीधा बलजीत यादव से मिल रही है। दूसरे जो कर्मचारी
काम नहीं करना चाहते थे, उनको लगा बलजीत यादव आएगा तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। कुछ षड्यंत्रकारी सफल हो जाते हैं, कुछ हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ हमारी लापरवाही, लेकिन फिर भी जनता का धन्यवाद दूंगा। और जसवंत तेरे को बताना चाहता हूं, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से बात होती है तू तो फर्जी आदमी है, फर्जी बात करता है। राजस्थान में एक उदाहरण नहीं है कि कोई तीन बार निर्दलीय लड़ा हो और तीन बार में फाइट में रहा या जीत करके विधानसभा गया। तू निर्दलीय लड़के बता दे, तेरे 2000 वोट में सलटा दे। एक बार निर्दलीय को वोट भूल भुलावे में मिल जाते हैं, दूसरी बार जो निर्दलीय लड़ा राजस्थान में वोट आधे से कम रह गए। 1500-1500 2000 वोट आए अलवर जिले में जो निर्दलीय लड़े, उनके एमएलए रहे हुए लोगों के। और बलजीत यादव जीता, जितने वोट लिए उतने ही वोट जनता ने अब दिए। ये तो थोड़ी मोड़ी लापरवाही हो जाती है, इस पे अहंकार नहीं करना चाहिए। और आगे चुनाव आएगा जब तेरी औकात पता लग जाएगी तेरे। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। राठ इंटरनेशनल स्कूल NH 48 दुगेड़ा बहरोड। राठ स्कूल ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराकर पूरे राजस्थान में कीर्तिमान स्थापित किया। ST SC में 112 सिलेक्शन, NDA में 35, JEE मेंस में 27, नीट में 28, CBSE कक्षा 12वीं में जिला टॉपर, सालों से सबसे बेहतरीन परिणाम देकर नंबर 1 रहा राठ इंटरनेशनल स्कूल बहरोड।